क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें स्थापित होने में वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हुए हैं जो अपने पहले ही मैच से अपने चाहने वालों की आंखों का तारा बन जाते हैं। लेकिन किस्मत कब क्या खेल खेल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसे ही क्रिकेटर थे विजय भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की क्रिकेट श्रृंखला अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। विजय भारद्वाज को खुश नसीब कहें या बदनसीब, इसका फैसला आपको इस वीडियो को पूरा पूरा देखने के बाद खुद करना चाहिए। तो पहले हम आपको विजय के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की और उसके दुखद अंत की। विजय भारद्वाज का जन्म 15 अगस्त 1975 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। विजय को बचपन से ही क्रिकेट का जुनून था और यही जुनून उन्हें भारतीय टीम तक खींच लाया। विजय ने अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत साल 1944 में की, जब विजय को कर्नाटक रणजी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। विजय ने अपने शुरुआती करियर से ही अपनी ऑलराउंडर प्रतिभा का चमक बिखेरना शुरू कर दिया। विजय जहां दाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी करते थे तो वहीं दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते थे। विजय को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में समान कौशल प्राप्त था, इसलिए अगर उन्हें परफेक्ट ऑलराउंडर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गेंदबाजी में वो जहां किसी भी समय विकेट चटकाकर अपनी कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरते थे, तो वहीं बल्लेबाजी में निचले क्रम में आकर आक्रामक बल्लेबाजी करके मैच को अपनी पकड़ में लाने की कला में उन्हें कौशल प्राप्त था। विजय ने अपने प्रथम श्रेणी के करियर में 5,553 रन बनाए तो वहीं 59 विकेट भी लिए। साल 1998-99 के घरेलू सत्र में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और इस साल उन्होंने 1,463 रन बनाए और 21 विकेट भी लिए। इनके इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली। ये बात है साल 1999 की, जब भारत विश्व कप के शुरुआती चरण से ही बाहर हो गया था और अब नई उम्मीदों के साथ नैरोबी में खेली जाने वाली चार देशों की एक दिवसीय मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जाने वाली थी। इस सीरीज में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या की टीमें भी भाग ले रही थीं। इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े सितारे भारतीय टीम में शामिल नहीं थे और कप्तानी अजय जडेजा को सौंपी गई थी। इस सीरीज में उदित हुआ था विजय भारद्वाज नाम का वो सितारा जो कब अपनी चमक बिखेर कर गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। इस सीरीज में भारत ने अपना मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 सितंबर को खेला। इसी मैच में विजय भारद्वाज को पहली बार इंडियन कैप पहनने का गौरव प्राप्त हुआ। पहले ही मैच में विजय ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और पहले गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों में 3 मेडन रखते हुए सिर्फ 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और फिर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 18 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे। उनके इस प्रदर्शन का सिलसिला 3 लीग मैचों में चलता रहा। गेंदबाजी में जहां वो धमाल मचा रहे थे, वहीं बल्लेबाजी में मौका मिलने पर वो अपने आप को साबित कर रहे थे। खैर, भारत ने तीनों लीग मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई जहां उनका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होना था। इस मैच में भी विजय ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। फाइनल मैच में विजय ने गेंदबाजी करते हुए 8 ओवरों में 34 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी में भी उन्होंने 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने की भरकस कोशिश की, लेकिन भारत को हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात तो यह है कि पूरी सीरीज में विजय भारद्वाज सिर्फ इसी मैच में आउट हुए थे। खैर, भले ही भारत ये टूर्नामेंट ना जीत पाया हो, लेकिन विजय भारद्वाज भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखों का तारा बन चुके थे। इस सीरीज में विजय ने जहां 10 विकेट चटकाए, वहीं 89 रन बनाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। एक क्रिकेटर के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि वो अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बन जाए। इस प्रदर्शन ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया का नया सितारा बना दिया, लेकिन शायद वो भोर के एक ऐसे सितारे बनकर उभरे थे जिसकी चमक तो तेज थी और दुनिया को नजर भी आई, लेकिन उसे बहुत जल्दी दुनिया की आंखों से ओझल होना पड़ा। इसके बाद आया वो समय जो विजय के करियर का ग्रहण साबित हुआ। दरअसल अगले ही साल यानी कि साल 2000 में उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जो उनके करियर के लिए घातक सिद्ध हुई। इस चोट के चलते उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि विजय ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस चोट से निजात पाने के लिए घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके सचिन की कप्तानी में टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन वो अपने चमत्कारी प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके। उन्होंने अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच में साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला और आखिरकार एक बेहद प्रतिभाशाली ऑलराउंडर के करियर का दुखद अंत हो गया। हालांकि इसके बाद भी भारद्वाज घरेलू क्रिकेट खेलते रहे और उन्होंने कर्नाटक और झारखंड के लिए क्रिकेट खेली, लेकिन भारतीय टीम में फिर उनकी वापसी नहीं हो सकी और आखिरकार 4 नवंबर 2006 को उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया।
इसके बाद विजय क्रिकेट में कोचिंग देने लगे और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलोर में 3 साल तक कोचिंग देते रहे। इसके बाद वो 3 साल तक आईपीएल में आरसीबी टीम के सहायक कोच के पद पर रहे। वर्तमान में विजय ओमान की राष्ट्रीय टीम के क्षेत्र चरण कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था कि विजय के जीवन के बारे में सब कुछ जानने के बाद आप उन्हें खुशनसीब कहेंगे जो अपने पहले ही टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बना, या फिर बदनसीब जिसका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर सिर्फ 3 टेस्ट और 10 वनडे मैचों तक सिमट कर रह गया। हम आपके जवाब का कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे। साथ ही साथ टीवी की टीम विजय भारद्वाज के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। नारा टीवी के फेसबुक पेज से भी जरूर जुड़े ताकि वहां से आपको नारा टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।